हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन वल्लभ कॉलेज मंडी इकाई ने राज्य कमेटी के आह्वान पर कॉलेज परिसर में एक दिन की भूख हड़ताल की। इस भूख हड़ताल में HGCTA के सभी प्राध्यापकों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। प्राध्यापकों ने शिक्षा की गुणवत्ता, संवैधानिक अधिकारों व यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अविलम्ब लागू करने के लिए भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया था। हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि सरकार अगर UGC के 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू नहीं करती तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस भूख हड़ताल से सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम संवैधानिक अधिकारों और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्राध्यापक सामूहिक अवकाश, भूख हड़ताल, सचिवालय के लिए शांतिपूर्ण मार्च, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन, प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन का बहिष्कार, नेक कार्य का स्थगन व सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज का जो हमारा मास संघर्ष स्ट्राइक है, एक दिन का है, 10 बजे से 5 बजे तक। आज जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन है HGCTA, वो पूरे प्रदेश भर के कॉलेजों में आज इस तरह के मास संघर्ष स्ट्राइक में बैठा। मास संघर्ष स्ट्राइक में बैठने का हमारा जो आज निर्णय है, वो बहुत जो हमारी लंबी सारी मांगे हैं कॉलेज टीचर्स की, उनसे उन मांगों को मनवाने के लिए, उनको पूरा करवाने के लिए जो हमारा एक आग्रह है प्रदेश की सरकार से। क्योंकि जो हमारी आप मुख्य मांग आज इस आंदोलन में आप देखेंगे कि वो पहली मांग हमारी है कि 7th UGC बेस के जो है वो कॉलेज टीचर्स के लिए जो है वो लागू होना चाहिए। 2016 से ये स्केल जो है ये कॉलेज टीचर्स के लिए ड्यू है, लेकिन आज तक पहले तो सरकार ने कभी इस बारे में बात ही नहीं की। लेकिन अब पिछले अभी इसी वर्ष आपने देखा कि पूरे प्रदेश के बाकी कर्मचारियों को पे स्केल जो है वो नया पे स्केल दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में हम लोगों के पे स्केल के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो पिछले कुछ महीनों से HGCTA सेंट्रल कमेटी जो है वो प्रदेश सरकार को हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स है उनके बीच में जाकर जो हमारे मेमोरेंडम दे रही थी, और हम जो है UGC स्केल को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सरकार के साथ लगातार संपर्क साध रहे थे। लेकिन हमें ऐसे लगा कि सरकार जो कहीं ना कहीं हमारी मांगों को लेकर बिल्कुल भी उस तरह से हमें लग नहीं रहा था कि हमारी मांगें मानेंगी। तो हम पूरे प्रदेश भर में कॉलेज टीचर्स जो हैं, हमने पहले सबसे पहले इवैल्यूएशन जो है फाइनल ईयर का, सेकेंड ईयर का, बाकी जो भी इवैल्यूएशन है वो हम लोगों ने बायकॉट की हैं कि हम ये इवैल्यूएशन नहीं करेंगे। हम जो आंतरिक मूल्यांकन था उसके भी खिलाफ थे, और अदरवाइज हमारे पे स्केल्स और बाकी इन सब डिमांड्स को लेकर भी हमने इसको बायकॉट किया। इसी कड़ी में आज हम मास संघर्ष स्ट्राइक पे भी बैठे हुए हैं।